हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आप लोगों को कल पूछा था कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम अब बहुत नज़दीक है, तो आप लोग बताएं कि आप लोग किस सब्जेक्ट का टॉपिक्स मेरे से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स चाहते हैं ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिले। क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारे लोग रिवीजन जो करते हैं ना, तो उनको समझ नहीं आता कि इतना सब कुछ है रिवीजन करने को, तो किसको पढ़ें किसको छोड़ें। तो इस स्थिति से बस बचने के लिए ही मैंने टॉपिक्स जो मुझे लगता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपके लिए लाया है। आज मैंने सब्जेक्ट चूज किया है करंट अफेयर, क्योंकि हिस्ट्री साइंस ज्योग्राफी आप लोग पहले से कुछ ना कुछ उसके बारे में जानते हो, पर करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबके लिए इक्वल होता है। सबके लिए अगर डिफ़िकल्ट है तो डिफ़िकल्ट है और इजी है तो इजी है, क्योंकि उसके बारे में हम पहले से नहीं जानते। वो होता है ना, हमेशा अपडेट होते रहता है। आज जो पढ़ा वो कल हमारे यूज में नहीं आएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम में, अगर वो बहुत दिनों के बाद एग्ज़ाम है तो। तो इसीलिए आज मैंने करंट का टॉपिक चूज किया है। कल मैं साइंस का कराऊंगी, ठीक है? साइंस में मैं बायोलॉजी का कल कराऊंगी। तो आज करंट का कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए, मैंने सीक्वेंस में 13 टॉपिक्स बनाए हैं जिसको आपको ज़रूर ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। उसमें से आपको क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेगा। याद रखना, ये रिविजन्स के टॉपिक है। मैं श्योर हूँ कि आपने बाकी सारे भी जो टॉपिक्स जो मैंने नहीं दिया है वो आपने पढ़े होंगे। ये रिवीजन पर्पस से मैंने वीडियो बनाया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी को पढ़ना है। मैं ऐसा मान के ये टॉपिक्स दिया है कि आप पहले से सब कुछ पढ़े हो। लास्ट टाइम में आपको ये टॉपिक ज़रूर रिवीजन करना चाहिए, इसी के मतलब पर्पस से मैंने ये टॉपिक दिया। नहीं तो कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट करने कि बस इसी को पढ़ने से होगा, ये टॉपिक नहीं वो टॉपिक नहीं। तो इनके लिए मेरे को इतना एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि कुछ लोग आ जाते हैं कुछ कुछ बोलने, तो उनके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर दिया कि आप अगर वीडियो पूरा देख रहे होंगे तो आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। कुछ लोग हाफ वीडियो देख के कमेंट करते हैं, या वीडियो अभी शुरू भी नहीं हुआ टाइटल पढ़ के कमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं करें। पहले वीडियो पूरा देखा जाता है उसके बाद कमेंट करना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, आज करेंट अफेयर का मैंने जो 13 टॉपिक सेलेक्ट किया है वो कौन कौन से हैं उसको आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठें, या अपनी करंट अफेयर का बुक लेके बैठें, जो भी आप पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम यहाँ जो बच्चे हैं वो स्पीडी को फॉलो करते हैं। स्पीडी तो सबके पास ही होगी, ब्लू कलर की जो आती है वो मोस्ट पॉपुलर बुक है करंट अफेयर के लिए। और मैक्सिमम लोग, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हों, जिसमें वन डे का एग्ज़ाम हो, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन आती हो, वो सभी स्पीडी को जरूर ही फॉलो करते हैं, चाहे वो दरोगा की एग्ज़ाम हो या बिहार पुलिस की। कुछ लोग तो बीपीएससी के लिए भी इसको अल्टरनेटिव के तौर पे रखते ही हैं, या वो पीडी पढ़ते हैं उसके बाद ये भी तो पढ़ना उनको पड़ता ही है। आज मैं बहुत फंबल मार रही हूँ तो माफ़ करना दोस्तों, किसी दिन हो जाता है कि पूरे दिन फंबल मारता है इंसान, पता नहीं क्यों उसकी ज़ुबान अटकती है, तो आज वही दिन है मेरा। तो चलिए, आप लोग टॉपिक नोट कीजिए। फर्स्ट टॉपिक है, मैंने लिखा हुआ है, मैं लास्ट में वो दिखा भी दूंगी आपको ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक है कौन क्या कहाँ, ठीक है? मतलब कौन राष्ट्रपति है या कौन सीएजी है, जो भी हो वो सब आपको याद करना है, जो स्पीडी का फर्स्ट पेज है, ठीक है? कौन क्या है नहीं है ये सब आपको याद करना होगा। सेकेंड टॉपिक है नवीनतम कैबिनेट मिनिस्ट्री, जो अभी आपका इलेक्शन के बाद कैबिनेट मिनिस्ट्री बनी है न्यूनतम, वो आपको लर्न कर लेना है, ठीक है? उसमें किसको कौन सा मंत्रालय मिला है ये अच्छे से आपको याद होना चाहिए, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? थर्ड है राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, बहुत जगह चेंज हुए हैं तो वो सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, क्योंकि मैच करने में या कुछ में भी आ सकता है, ठीक है? तो वो आप लर्न कर लेना। फोर्थ टॉपिक है सैन्य अभ्यास, इससे तो
आएगा ही क्वेश्चन, आपको भी पता है, आप सेट लगाते होंगे उसमें भी आपने देखा ही होगा कि सैन्य अभ्यास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिफ्थ टॉपिक है योजना। जो भी योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजना, ये योजना, वो योजना, जितनी भी योजनाएं हैं, जो भी राज्य या मंत्रालय जो भी चलाती है, वो आपको योजनाएं याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका सिक्स नंबर पे आता है त्यौहार, मेला या उत्सव। कौन सा त्यौहार या कौन सा मेला किस राज्य में मनाया गया या किस मंत्रालय के द्वारा कोई कोई चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं, तो वो सब आपको याद कर लेना है कि ये मेला वहाँ हुआ, यहाँ हुआ, पुष्कर मेला या और भी बहुत सारे मेले हैं, वो सब आपको याद कर लेना है। जैसे जगन्नाथ जी का भी मेला निकलता है, यात्रा निकलता है, वो आपको याद कर लेना है। पुष्कर का मेला है, बहुत सारे ऐसे मेले होते हैं जो आपको याद कर लेना है। उसके बाद GI टैग, बहुत सारी चीज़ों को GI टैग मिलते हैं बहुत सारे राज्यों को, जो भी वहाँ की, जैसे मिठाइयाँ हैं, सब्जी है, फल है, कोई वस्तु, क्राफ्ट, कुछ भी, वो आपको याद कर लेने हैं। आठवां है संगठन, संस्थान और मुख्यालय। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आपका WHO है, UNO है, ये सब का कहाँ पर मुख्यालय है, वो आपको याद कर लेना है, और उसका गठन किस ईयर में हुआ था, वो आपको याद कर लेना है। उसके बाद आता है नाइनवा, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन अभी तक हुए हैं लगभग एक साल के, वो आपको लर्न कर लेना है। वो स्पीडी में आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है, आप टिक कर लीजिएगा आराम से और वो सारे चीज़ों को याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपका है दसवां, विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक। जितने भी रिपोर्ट और सूचकांक है, जैसे हंगर में हमारा कौन सा नंबर है, ये सब, वो सभी चीज़ों को आपको याद कर लेना है। उसके बाद है 11th कप ट्रॉफी और पुरस्कार। जितने भी पुरस्कार हैं, ऑस्कर हो या आपको जितने भी पुरस्कार होते हैं, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये वो सब सारे याद कर लेने हैं। कप और ट्रॉफी जो क्रिकेट से रिलेटेड या किसी भी खेल से रिलेटेड जितनी भी कप्स हैं, ट्रॉफियां हैं, किसको मिली, कौन सा मैच कौन जीता, ये सब आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद आता है 12th नंबर पे खेलों के आयोजन स्थल। ये VBI है, इसको आपको ज़रूर ज़रूर याद कर लेना है कि अगला विश्व कप क्रिकेट का कब होगा, हॉकी का कहाँ होगा, कब होगा, कौन कौन से देश, मतलब किस किस देश में होगा, ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। उसके बाद 13 दिवस और थीम, ये भी आपको याद कर लेना है कि किस डेट को क्या मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है। मेरे को ये 13 टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। बाकी भी सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है, बट ये 13 को तो हम ज़रा भी स्किप नहीं कर सकते। लास्ट टाइम में आपको ये जो भी 13 टॉपिक मैंने बताए हैं, वो आपको ज़रूर ज़रूर रिवीजन करके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और सॉरी, मैंने आज बहुत फंबल मारा, तो इसके लिए सॉरी, मैं रीटेक नहीं लेना चाहती, क्योंकि बहुत मुश्किल से और बहुत टाइम निकाल के मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप देख रहे होगे, फ़ैन बंद करके बना रही हूँ तो पसीने भी आ रहे हैं मुझे। मैं ये सारे टॉपिक्स को मैं एक बार दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और आप इस सारे टॉपिक को ज़रूर रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। चलो, आपने शायद ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आई होप आपके लिए थोड़ी सी 1% भी ये वीडियो हेल्पफुल हो, यही मेरा मोटो है, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।